हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे डॉट कॉम। तो आज मैं करवाने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। लाइव स्ट्रीम मैंने करने की कोशिश करी आज, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बैड इंटरनेट कनेक्शन। तो आज मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी आपको क्वेश्चन दिखे उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। पहला एक स्टेटमेंट होती है, फिर दो स्टेटमेंट, दो या तीन स्टेटमेंट भी कई बार हो जाती हैं। उसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है, या तो एक्स की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी या दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। सेम तरीके से आपको y की एक या दो वैल्यूज मिलेंगी। तो फिर आपने उसके बाद बताना होता है कि क्या x y से बड़ा है या छोटा है, या x इक्वल टू मोर देन y है, या y इक्वल टू मोर देन x है, या कोई रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं हो पा रहा है, यह आपने बताना होता है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, ये y एक्सिस, ये आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, ये y एक्सिस होता है ऊपर सीधी लाइन, और ये x एक्सिस होता है। यहाँ पे आप जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, या ये वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी है यहाँ से ऐसे, तो ये दो पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे आपने बताना होता है कि एक्स की वैल्यू वाई के रिलेटिवली क्या बड़ी है, इनमें से कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होती है। अभी मैं एग्जैक्टली 11 क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा सिंपल मैथड से, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन। अभी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, राइट। अभी इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज फैक्टोरियल्स, हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक मल्टीप्लाई बाय सात, ये फैक्टोरियल हमें चाहिए, राइट। सात की वैल्यू चाहिए। अगर माइनस छः के फैक्टोरियल बनाएंगे, एक तो हमें माइनस सात मिल जाएगा, उसमें प्लस वन कर दीजिए, तो आपका ये जो दोनों जो कंडीशंस हैं दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस सेवन नहीं होगी, साइन को उल्टा देंगे, माइनस सेवन नहीं होगी, ये हो जाएगी सेवन, और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, राइट। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टू वाई स्क्वायर प्लस थर्टीन वाई प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए 15 है, दो मल्टीप्लाई बाय पाँच मल्टीप्लाई बाय तीन, 15 को मैंने पाँच मल्टीप्लाई बाय तीन लिख दिया है। अभी इसके फैक्टोरियल्स तो ये हैं, राइट। इसको आपने 13 के आपने फैक्टोरियल इसके इक्वल करने हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेरा बन जाता है 10, और 10 बन गया आपका, और यहाँ से 3 उठा लिया, प्लस 10 और प्लस 3। अगर y की वैल्यूज़ निकालेंगे दो वैल्यूज आ जाएगी, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये जो नंबर है 2 इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर पर लाना होता है, और ये जो 3 इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से माइनस 3 को, तो माइनस 5 आपका वैल्यू यहाँ आ गया, माइनस 1.5 आपका वैल्यू यहाँ आ गया। ये x की वैल्यूज़ है, ये y की वैल्यूज़ हैं। तो पहली कंडीशन को देखते हैं, क्या 7 माइनस 5 और माइनस 1.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी, तो ये बड़ा हो गया। क्या माइनस 1 माइनस 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या माइनस 1 माइनस 1.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो दोनों कंडीशंस में x जो है y से बड़ा है, तो आपका आंसर है x y से बड़ा है, और आप ऑप्शन टिक करेंगे b, और b को टिक करेंगे और घर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे तीन के फैक्टर चाहिए, एक तो आपको एक दो का चाहिए, राइट। अगर मैं 7 ये इसकी कंडीशन फुलफिल करना चाहूं, तो माइनस 6 और माइनस 1 6 ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे जो इसका टोटल है वो भी आपका माइनस 7 बन रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 बनता है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 मैंने यहाँ से उठाया, और दूसरी वैल्यू बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 2, यहाँ पे 0.33। चलो अभी वाई का सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से, 2y का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, अभी आपका ये आपके फैक्टर्स हैं, 11 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे। 5
थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के चलिए कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6, ये बन गया 6 और 5, 11, राइट। बहुत सिंपल है, y की वैल्यू एक तो बन जाएगी 6 ओवर 2, दूसरी y की वैल्यू बन जाएगी 5 ओवर 2, तो फाइनल वैल्यू बन गई 3 और ये बन गई 2.5। कोशिश करिए सिंगल नंबर्स में अपना आंसर निकालिए, अगर ऐसा कुछ आ जाएगा 6 ओवर 3, 6 ओवर 7, तो फिर आपका आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिंपल एक नंबर में, नेचुरल नंबर में अपना आंसर निकालिए, पॉइंट्स में निकाल लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, 2 है क्या, 2 3 और 0.25 से बड़ा है, दोनों से छोटा है, राइट। एक्स वाई और इससे छोटा है, 0.33 ये 3 से भी छोटा है, 2.5 से भी छोटा है, तो दोनों में एक्स वाई से छोटा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स वाई से छोटा है। और यहाँ पे टिक करें, ए ए आपका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10x² - 7x + 1 = 0। यहां पे देखिए फैक्टर्स किस कौन कौन से चाहिए, 2 का चाहिए और 5 का चाहिए। सिंपल, यहां से देखने से ही पता चलता है, एक 5 -5 और -2, ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं सिंपल। और x की वैल्यू आ जाएगी एक में 5/10 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2/10, तो इसका वैल्यू बना 0.5, इसका वैल्यू बना 0.2। तो चलिए y का भी सॉल्व कर देते हैं इसी तरीके से, 35y² - 12y + 1 = 0। अभी यहाँ पे कौन से फैक्टर चाहिए, 7 और 5, देखने से पता चलता है 7 और 5 12 होते हैं, -7 -5, ये आपके फैक्टर्स बन गए। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, इसको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5, इसको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जाता है सीधा 5 पे, तो आपकी वैल्यू आ गई है 0.2। यहाँ पे 1/7 वैल्यू आ गई है 1.4। अभी यहाँ पे देखिए क्या 0.5 0.2 से और 1.4 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। क्या 0.02 0.02 के तो ये बिल्कुल बराबर हो गया और 0.14 से बड़ा हो गया, तो इसका आएगा ऐसे लिख सकते हैं आप, 0.2 0.2 तो बराबर है लेकिन 0.2 0.14 से तो बड़ा है ना, तो ऐसे आप लिखेंगे, राइट। और अभी जब भी कभी आपकी ये जो सिचुएशन बनती है तो आपका आंसर ये जो इक्वल टू मोर देन, ये आपका आंसर बनेगा। अगर कंफ्लिक्टिंग होता, यहाँ पे मोर देन वाला साइन है, यहाँ पे लेस देन वाला साइन है, तो आपका कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, राइट। तो ये आपका आंसर है, ये डी आपका आंसर है, इसको आप टिक करेंगे और घर आ जाएंगे, राइट, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4x² = 25। अभी यहां पे 4x² = 25, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, एक्स इज इक्वल टू 5/2, बट प्लस माइनस में आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गए कि अगर -5.2 का स्क्वायर जो अगर मैं निकालने बैठूं तो भी 25/4 आएगा, अगर 5.5/2 का स्क्वायर निकालूंगा तो भी 25/4 ही आएगा। इसलिए एक्स की एक वैल्यू तो आपकी आ गई 5/2, दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई -5/2, ये दो वैल्यूज आई हैं एक्स की। वाई के लिए सॉल्व करते हैं, अभी 2y² - 13y + 21 = 0। अभी किसके फ्रैक्शन चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए और 7 का चाहिए, 21 के फ्रैक्शंस 3 और 7, ये आपको फ्रैक्शंस चाहिए। कैसे करेंगे, 7 और 6, 7 और 6 13, तो ये माइंड में कीजिए, -7 और -6, राइट। और आपकी वैल्यू जो y की आएगी 7/2 और दूसरी वाई की वैल्यू आएगी 6/2, 3.5 का आंसर आपका यहां आ गया वाई का और 3 आपका यहां आ गया। यहां पे आप देखिए 5.5 जो था ये आपका बन जाता है 2.5 और यहां पे -2.5। क्या 2.5 दोनों से, 3.5 और 3 दोनों से छोटा है, राइट, बिल्कुल छोटा है, -2.5 भी इन दोनों से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये आपका आंसर बनता है एक्स जो है वाई से छोटा है और ये आपका ए जो है ये आपका आंसर निकलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3x² + 7x = 6। 3
एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सिक्स को मैं इधर ले गया हूँ। अभी यहाँ पे आपको कौन से फ्रैक्शन चाहिए, एक तो तीन चाहिए, दो चाहिए और तीन चाहिए। इसको देखिए, अभी मेरे को सात की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी? थ्री थ्री का नाइन, नाइन में से अगर मैं टू को माइनस करता हूँ तो आपकी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मैंने यहीं से नंबर उठाया है, थ्री थ्री का नाइन, नाइन में से टू माइनस किए तो आपका सेवन आ जाएगा, नाइन प्लस का टू माइनस का। और एक्स की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, माइनस नाइन ओवर थ्री, और दूसरी एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस टू ओवर थ्री। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस थ्री यहाँ पे आ जाएगा और ये तो प्लस में था एक्चुअली, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66। चलिए इसी तरह से अभी हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिक्स वाई का स्क्वायर ये आ गया आपका 12y का स्क्वायर प्लस सिक्स। अभी 17 को पहले इधर ले आते हैं, माइनस 17y प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे देखिए, टू टू इज द फोर, थ्री इज द 12। एक तो आपका ये आ गया, इसके और के फ्रैक्शन चाहिए टू थ्रीज का, राइट? ध्यान से देखिए, टू टू इज द फोर, टू का एट, थ्री थ्री का नाइन। अगर ये अगर मैं फ्रैक्शंस बनाता हूं तो आपकी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट? वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक तो बन जाएगी 8 ओवर 12 और दूसरी वाई की वैल्यू बन जाएगी 9 ओवर 12। सिंपली सॉल्व कीजिए, 3 ओवर 4 यहां पे आ गया, यहां पे आपका आ गया 0.75 और 2 ओवर 3 यहां था तो 0.667। ये आ गए आपके वाई की वैल्यूज। अभी माइनस थ्री जो है इन दोनों से छोटा है, एक्स इज स्मॉलर देन वाई, पहली कंडीशन। 0.667 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पहली बात तो ये इक्वल है लेकिन ये 0.75 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा आपका, एक तो इक्वल है बट दूसरी जो वाई की वैल्यू है वो बड़ी है। दोनों सिंबल एक तरफ है तो ऑब्वियसली ये मैं पिक करूंगा, ये मेरा आंसर है, ई मैं इसका आंसर पिक करूंगा, ये मेरा आंसर हो जाता है, राइट? अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन। एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स टू वन। अभी ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया है, मुझे इसका एग्जैक्ट में मैं कहूं कि मुझे एस का भी फ्रैक्शन निकाल लूंगा, पॉसिबल नहीं है। तीन से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 207 आ जाएगा, और फिर तीन से डिवाइड होगा, 69 आ जाएगा, फिर तीन से डिवाइड होगा, 23 इज अ प्राइम नंबर। पहला तो ये नंबर आ गया, चलिए थ्री, इसके फैक्टर मेरे को चाहिए 3, 3, 3, उसके बाद 23। अगर मेरे को चार की वैल्यू, चार यहाँ पे चाहिए, 3, 3 का 9, 3 का 27, 27 एक आ जाएगा और दूसरा ये माइनस में आएगा और 23 आपका प्लस में आएगा, तभी आपका माइनस फोर जो है ये वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 23, राइट? तो चलिए अभी वाई के लिए सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई प्लस 743। अभी इसको ध्यान से देखिए, 783 के फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे हमें, 783 के, 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, 3 2 का 6 186 का, और 3 2 का 6 और ये आगे आपका बन गया 6 1, राइट? यहाँ पे दोबारा से डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, और यहाँ पे आपका बनता है 87, फिर से दोबारा 3 से होगा और आपका यहाँ पे बन जाता है 29, और 29 एक प्राइम नंबर है, इसे आगे नहीं जाएंगे। 3, 3, 3, तो 3 × 3 × 3 × 29, इसके फ्रैक्शन बनाने हैं इक्वल टू 56। ध्यान से देखिए, 29 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ज़्यादा चला जाएगा 56 से, जो हमें नहीं चाहिए। 3, 3 का 9, 3 का 27, इसमें दोनों माइनस के अगर हम कर दें तो आपका जो है टोटल जो है वो 56 बन जाता है, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो y की वैल्यू एक आपकी आ जाएगी 27, दूसरी वैल्यू आपकी y की आएगी 29। क्या ये 27 जो है ये बिल्कुल इनसे बड़ा है या छोटा है? 27 एक्स जो है अभी एज ऑफ नाउ या तो छोटा है या इक्वल है y के, माइनस 23 तो ऑब्वियसली छोटा है y के, दोनों सिंबल सेम तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको मैं भूल जाऊंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली, और इधर मेरा आंसर क्या है, ई जो है मेरा आंसर हो जाता है, राइट? अगला क्वेश्चन करते हैं। 15x स्क्वायर
माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए 3 5, और यहाँ पे देखिए 3 5। अभी इसके जो फ्रैक्शंस हैं, मेरे को यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शंस बनाने हैं। मेरे को क्या फ्रैक्शंस बनेंगे इसके, ध्यान से देखिए। 3 3 का 9 बन जाता है, 3 और 3 का 9 बन जाता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाता है। दोनों अगर माइनस में आ जाते हैं तो आपका माइनस 34 जो है वो आपका टोटल बन जाता है माइनस 34। तो x की वैल्यू जो है ये बन जाएगी 9/15, ये बन गई आपकी 3/5। इसको सॉर्ट आउट करूं मैं अगर, ये आपकी बन जाती है 0.6। दूसरी का करूं तो 25/15, तो ये बन जाती है 5/3। आराम से सॉल्व करूं इसको तो ये बन जाती है 1.667, राइट। तो चलिए अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 15y का स्क्वायर। वैसे अगर यहां पे दोनों पे, यहां पे भी 15 है और यहां पे भी 15 है, तो आपको ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही मेथड में मैं स्टिक करता हूं। जैसे कि आपको पता है यहां पे 15 है, 3 5, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 यहां से निकल दिया। और अभी 22 का क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 22 का क्या करेंगे। 3 2 का 6 2 का 12, 12 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे दोनों, कह लीजिए सारा, ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल करती हैं। y की वैल्यू का आएगी आपकी माइनस में आएगी, माइनस 12/15 ये आपका बनता है 3/4, ये आपका माइनस 0.8 बन जाता है, माइनस 0.8। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस 10/15 ये आपकी बन जाती है माइनस 2/3, आप कह लीजिए माइनस 667, राइट। अभी यहां से ध्यान से देखिए 0.6 भी इन दोनों से बड़ा है, 0.1 0.66 भी इन दोनों से बड़ा है, तो सिंपली क्या है, x जो है वो y से बड़ा है, ये आपका आंसर है। इसको मैं टिक करूंगा और घर आऊंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सिंपल है लेकिन फंडा मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं, फिर भी इसको समझिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121, राइट। अभी 11 का स्क्वायर 121 बनता है, लेकिन यहां पे एक्स की वैल्यू जो है, पहली वैल्यू 11 है, दूसरी वैल्यू -11 है, क्योंकि -11 का स्क्वायर है ये भी 121 होता है, 11 का स्क्वायर भी 121 होता है, तो ये आपकी वैल्यू बन गई है। 11 का क्यूब जो है 1331 आता है, राइट। 11 का क्यूब जो है ये 1331 आता है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखें, यहां पे y की वैल्यू जो है ये 11 ही आएगी। अगर -11 का मैं क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो ये -1331 निकलेगा, क्योंकि 3 बार माइनस का साइन आ जाएगा ना। तो y की एक ही वैल्यू है, x की 2 वैल्यूज बन गई हैं। क्या 11 पहली इक्वेशन के हिसाब से x और y के इक्वल है? दूसरी इक्वेशन के हिसाब से देखिए, x जो है ये छोटा है y से। अभी इस दोनों दोनों इक्वेशंस को अगर मिक्सअप करेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल टू और लेस देन y। तो ये आपका e जो है ये आपका आंसर है। रिलेशनशिप तो हम बिल्ड कर रहे हैं, रिलेशनशिप आप तब नहीं बिल्ड कर पाएंगे अगर, मान लीजिए x और y का रिलेशनशिप आप तब नहीं बिल्ड कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ हो, कंफ्लिक्टिंग आपके पास हो, कंफ्लिक्टिंग आप कह लीजिए एरोज हो, यहां पे मोर देन है, यहां पे लेस देन है, यहां पे मोर देन इक्वल टू है, यहां पे लेस देन है, तो यहां पे नो रिलेशन आ जाएगा, नो रिलेशन आपने याद रखना है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास रिलेशन बन रहा है और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू वाई के, ये आपका आंसर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, आपको 7 और 5 के जो है फ्रैक्शंस चाहिए। सिंपल वे में करते हैं, 7 और 5 के फ्रैक्शन चाहिए, सिंपली 7 और 5 को प्लस करते तो 12 आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था, x की वैल्यू आ जाती है -7 और दूसरी x की वैल्यू आ गई आपकी -5। y का भी ऐसी सेम वे में सॉल्व करते हैं, y² + 18y + 45 = 0। अभी यहाँ पे क्या है, 3 आ गया, 5 एंड 3,
ये इसके फ्रैक्शंस हैं 3, 5, 3, सीधा सीधा डिवाइड कर दिया माइंड में, 45 को 3 से डिवाइड किया 15 आ गया, 15 के तो 5, 3, ये तो पता ही है। अभी 18 आपने लाना है यहाँ से, कैसे लेकर आएंगे, खुद एक बार ट्राई करें, जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। 5, 3 15 और 3 दोनों प्लस के होंगे तो आपका वाई का जो है आंसर, वाई की वैल्यूज आप निकाल पाएंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी -15, दूसरी वाई की वैल्यू आ जाएगी -3। अभी ध्यान से देखिए, क्या -7 -15 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। -3 से बड़ा है? पता नहीं, ये बीच में कहीं आ गया, समझ रहे हैं, और -5 भी इनके बीच में कहीं आ गया, तो कुछ आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर सी है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन है ही नहीं, इन दोनों इक्वेशंस में कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन करें, खुद से करने की एक कोशिश जरूर करें, वीडियो को पॉज करें, 10 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, 11वां क्वेश्चन करने का आपका फर्ज बनता है, इसको प्लीज कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अभी 6x2, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, नहीं होता तो वापस आए। 6x2 - 49x + 99 = 0, कौन कौन से आपको फ्रैक्शन चाहिए? 2, 3 के चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक तो 3 चाहिए, फिर दोबारा से 3 चाहिए, 3, 3 का 9 मल्टीप्लाइड बाई 11। अभी 49 के आपको फ्रैक्शन चाहिए अगर, तो क्या करूँगा मैं, 3, 3 का 9, 3 का 27 ये बनता है, और 2 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँ ये आपका बनता है 22, दोनों को ऐड करूँ तो मेरा आ जाता है 49, दोनों माइनस में है, राइट। तो x की वैल्यू यहां पे क्या बनती है, 27/6, दूसरी वैल्यू बनती है 22/6, राइट। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, 2, 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4.5 यहां पे वैल्यू आ गई, तो यहां पे आती है आपकी 6 18 4 0 3.6 के तकरीबन, राइट। चलिए y को सॉल्व करते हैं, अभी 5y² + 17y + 14, तो मेरे को क्या नंबर चाहिए यहां पे, एक तो 5 चाहिए और मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14 से यहाँ पे आ गया, राइट। अभी 17 का वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगा, 5, 2 का 10 और दूसरा ये 7, दोनों प्लस में है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए सिंपलीफाइड वे में, एक सिंपल वे में इसको देखिए, y का वैल्यू आ जाएगा -10/5, दूसरा y का वैल्यू आ जाएगा -7/5, तो ये आपका बनता है -2, और दूसरा जो है वो आपका बनता है माइनस, बहुत ज़्यादा वैसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 point something जो आपका बनेगा, कह लीजिए 1.4 बनेगा या 5 जो भी बनेगा, दोनों माइनस में है, इधर मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया, 4.5 दोनों से बड़ा है और 3.6 भी दोनों से बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है, तो x इज बिगर देन y, ये मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। तो आज मैंने 11 ही क्वेश्चन करवाने थे, वो मैं करवा चुका हूँ, कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में मैं इसकी वर्कबुक भी प्रोवाइड करवाऊं। वैसे ये मैंने लाइव स्ट्रीम सेशन करना था लेकिन ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्टिविटी आज कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो दैट्स वाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग जो सेशन है वो मैं नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे कॉमेंट्स में लिखें, वैसे मैं लाइव चैट्स जो आप करते हैं उसके रिप्लाई करता हूं, आपको भी पता है कॉमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, आप नीचे कॉमेंट्स जो है वो करते रहें। और IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, इसको gkdigest.com पे जाके आप इसको इस पर एनरोल कर सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको डेली जो सेक्शनल टेस्ट हैं, डेली क्विजेस हैं, ये सब आपको मिलते रहेंगे। और gkdigest एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कुछ एक लोग डिसलाइक कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको मेरे क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बहुत ज़रूरी है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने जो भी लोग डेली, जो भी स्टूडेंट्स डेली वीडियो को देखते हैं, जो भी सेशंस को फॉलो करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।